हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग को लेकर के है। और पाइथन प्रोग्रामिंग में हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। जी हाँ, डेटाबेस कैसे क्रिएट किया जाए? पाइथन प्रोग्रामिंग में कहीं डेटाबेस क्रिएट होता है? डेटाबेस तो आप एसक्यूएल में, MySQL में, एसक्यूएल सर्वर में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में क्रिएट करते हैं। क्या पाइथन प्रोग्रामिंग में भी डेटाबेस क्रिएट होता है? तो जी हाँ, बिल्कुल होता है। कैसे क्रिएट करेंगे और कैसे, इन चीज़ों को दिखाने वाला हूँ, तो बहुत ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। और एट लास्ट, एट द एंड ऑफ द वीडियो, आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, पाइथन की ट्रेडिशनल IDLE आप ओपन कर लीजिए, ठीक है? आपके पास जो भी हो, अब ये ट्रेडिशनल IDLE है, ज्यादातर मामलों में यही इस्तेमाल करी जाती है, तो मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ। ये ओपन कर लिया, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आकर के और एक कोड लिखना है। अब कोड क्या है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो इम्पोर्ट करना होगा, ठीक है? ये इम्पोर्ट तब लिखा जाता है जब हम किसी पहले से मौजूद इनबिल्ट लाइब्रेरी को इसमें लेके आना चाहते हैं, तभी हम इम्पोर्ट लिखते हैं। ये तो बात आपको पता ही है। तो MySQL को किसको इम्पोर्ट करवाना है, MySQL को, ठीक है? ये चाहते हैं कि ये सीधा MySQL पे इम्पोर्ट, मतलब MySQL पे डेटाबेस बने। हम बनाए पाइथन पे लेकिन बन जाए MySQL पर, तो इसीलिए डॉट कनेक्टर लिखना होगा, एंटर करके नीचे आना होगा और किसी भी नाम से। अब जैसे यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर क्या दे देता हूँ, माई डेटाबेस, यही मैं दे देता हूँ। तो ये हो गया माई डेटाबेस, ठीक है? देख सकते हैं माई डेटाबेस मैंने नाम दे दिया है। और इज इक्वल टू लगा देंगे MySQL डॉट, क्या देंगे, कनेक्टर, कनेक्टर, और फिर यहाँ लिखेंगे डॉट कनेक्ट, इस तरीके से ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर इसी के अंदर तो डेटाबेस हमारा बनेगा। अब यहाँ पे लिखेंगे होस्ट, तो होस्ट हमारा लोकल होस्ट है, लोकल होस्ट, यहाँ पे लिख देंगे LOCAL, लोकल होस्ट, ठीक है? तो होस्ट कर दिया लोकल होस्ट। इसके बाद इसको डबल कॉमा को क्लोज करके कॉमा लगा देंगे, एंटर करेंगे। यूजर क्या है हमारा, तो यूजर इज इक्वल टू यहाँ पे कर देते हैं, यूजर है हमारा ROOT, तो यूजर हमारा हो गया रूट और होस्ट हमारा हो गया लोकल होस्ट, ठीक है? और एंटर करेंगे पासवर्ड, तो यहाँ पे PASWORD पासवर्ड कर देते हैं, इज इक्वल टू जो भी पासवर्ड आपका होता हो वो पासवर्ड डाल दीजिएगा। जैसे मेरे केस में यही है तो मैं यही डाल देता हूँ पासवर्ड, ठीक है? और ये डाल करके आपको क्या करना है, डबल डॉट कॉमा को क्लोज कर देना और क्लोज करके एंटर करना है, नीचे आना, इसको बंद कर देना है। फिर यहाँ पर एक बनाएंगे माई कर्सर के नाम से, माई कर्सर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर चूंकि ऊपर हमने माई डेटाबेस नाम से बनाया है तो हमको वही लेना होगा, तो माई कर्सर इज इक्वल टू माई डाटाबेस करेंगे, माई डाटाबेस, और माई डाटाबेस लिख करके और क्लोज करके क्या करना है, एंटर करना है और फिर यहाँ देना है माई कर्सर, CURSOR, माई कर्सर डॉट एक्सिक्यूट, एक्सिक्यूट यहाँ पे दे देंगे, हम एक्सिक्यूट करवाने वाले हैं हम इसको। और यहाँ पर क्या दे देंगे, यहाँ पे दे देंगे डबल डॉट कॉमा में क्रिएट, वही कमांड जो आप MySQL में देते हैं, ठीक है? तो ये हो जाएगा क्रिएट। और अब जब चलाएंगे ना तो ये सक्सेसफुली जो है रन हो जाएगा, और रन हो जाएगा तो इसके लिए कोई मैसेज भी हम चाहे तो दे सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं, डेटाबेस सक्सेसफुली क्रिएटेड, डेटाबेस क्रिएटेड कर देते हैं, क्रिएटेड, तो ये हो गया, यही मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसका मतलब ये समझ जाइएगा कि आपका डेटाबेस बन गया है, तो एंटर करिए। और अब यहाँ पे देखिए, अब ये डेटाबेस क्रिएटेड हो चुका है, अब इसको एक बार चला लेते हैं। तो यहाँ पर ये मैसेज अगर प्रिंट हो गया तो समझ जाइए डेटाबेस बन गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं डेटाबेस बन गया है आपका। अब कैसे पता कि डेटाबेस बना है या नहीं बना है, तो देखिए इस डेटाबेस का नाम है माई ओन डेटाबेस। तो अब हम क्या करते हैं, MySQL को ओपन करते हैं, MySQL ओपन किया, एंटर किया, तो अभी ये MySQL का वर्कबेंच है। आप अगर कमांड लाइन से भी जाना चाहते हैं तो आसानी के साथ जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो डबल क्लिक करते हैं, ये ओपन होगा। और अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से डाटाबेसेस हैं, तो सो डाटाबेसेस पे जाएंगे। और यहाँ पर देखिए माई ओन डाटाबेस किस नाम से हमने बनाया था, यहाँ पर चेक करना होगा, ये देखिए यही है ना, माई ओन डाटाबेस के नाम से हमारा कोई डाटाबेस बना है या नहीं बना है ये देखना होगा। तो यहाँ पर जब जाएंगे नीचे, ये देखिए माई ओन डेटाबेस बना हुआ है ना। अगर मैं यहाँ पे माई ओन डेटाबेस वन कर देता हूँ, अगला जो डेटाबेस हम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं माई ओन डेटाबेस वन कर देता हूँ, ठीक है? जैसे क्रिएट डेटाबेस माई ओन डेटाबेस वन कर देता हूँ, तो अभी देखिए इसमें कहीं वन दिखाई नहीं पड़ेगा आपको। देखिए इसमें ये स्टार्टिंग है, ये अपलक है, अपलक गुप्ता है, डेमो है, इस तरीके से और भी डेटाबेसेस हैं, माई ओन डेटाबेस भी है, लेकिन माई ओन डेटाबेस वन नाम से कोई डेटाबेस नहीं है। देखिए यहाँ पर ये देख सकते हैं माई ओन डेटाबेस है, लेकिन माई ओन डेटाबेस वन नाम से कोई डेटाबेस नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, जब इसको चलाएंगे, ये जो पाइथन कोड है इसको हम यहाँ से रन कराएंगे। तो ये रन कराया और रन कराते ही हमारा डेटाबेस बन करके तैयार हो जाएगा। देखिए ये डेटाबेस क्रिएटेड आ गया ना, यानी कि हमारा डेटाबेस बन गया। अब माई ओन डेटाबेस वन नाम से डेटाबेस बन गया है। देखिए यहाँ पर दिखाता हूँ एक बार फिर से, सो डेटाबेसेस चलाएंगे और अब यहाँ पे नीचे आते हैं तो देखिए माई ओन डेटाबेस है, फिर माई ओन डेटाबेस वन है। अगर मान लीजिए फिर आप बनाना चाहते हैं तो फिर आपको सिर्फ यही चेंजेस करने हैं। आप जैसे माई ओन डेटाबेस टू कर देते हैं, सेम नाम से दो डेटाबेस तो रहेगा नहीं,
तो यहां पे जब इसको चलाएंगे तो फिर ये डेटाबेस बन जाएगा, तो अब इस बार 2 वाला बन जाएगा, ठीक है। तो अब फिर जब यहां पे चेक करेंगे ना तो फिर 2 वाला डेटाबेस भी आपको दिखाई पड़ेगा। देखिए यहां से जाइए और यहां पे देखिए ये 2 वाला डेटाबेस दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरीके से ये डेटाबेस बनता जाएगा और होता जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी कि ये कैसे बनाना है, कैसे करना है। ये क्वेश्चन एक पाइथन से पूछा जाता है, पाइथन MySQL कनेक्टिविटी से, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए मैंने लिख दिया माई ओन, यूज माई ओन, यूज नाम का एक कीवर्ड है जिसको आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आप टेबल बनाना चाहते हैं तो किसी न किसी डेटाबेस के अंदर ही बनाएंगे, ये तो पता ही है, डेटाबेस के अंदर ही टेबल बनती है हमारी। तो किसी एक डेटाबेस को आपको यूज करना पड़ेगा, और उस स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, उस डेटाबेस को यूज करने के लिए यूज कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको हटाता हूं क्योंकि यहां पर इसे कमेंट कर देता हूं ताकि जो है हमारा रिजल्ट अफेक्टेड ना हो, तो इसको मैंने कमेंट कर दिया है। अब यहां पे लिख दिया है डेटाबेस चेंज, यानी कि डेटाबेस हमारा चेंज होगा, यानी हम उस डेटाबेस को यूज करेंगे और उसी के अंदर टेबल भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जाकर के और इसको इस तरीके से यहां से रन करवाते हैं। ये देखिए ये रन करवाया, तो रन करवाते ही क्या लिखा हुआ आ गया, डेटाबेस चेंज लिखा हुआ आ गया। अब जब डेटाबेस चेंज हो जाएगा तब हम टेबल बनाएंगे, ये चीज ध्यान दीजिएगा कि जब ये डेटाबेस यूज हो जाएगा तब हम टेबल बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको यहां से इसको भी कमेंट कर देते हैं, हमारा डेटाबेस ऑलरेडी चेंज हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर क्रिएट टेबल करेंगे, यानी कि पहले तो लिखेंगे माय कर्सर, CURSOR माय कर्सर लिखा हमने, और .execute ये लिख दिया, और ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए। इतना लिखने के बाद ब्रैकेट को ओपन करिए, और ब्रैकेट को ओपन करने के बाद क्या करना है आपको, यहां पे डबल कॉमा में दीजिए क्रिएट टेबल TABLE, ये दे दिया क्रिएट टेबल। और यहां पर टेबल किस नाम से बनाना चाहते हैं वो चीज आपको देना होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम बनाना चाहते हैं स्टूडेंट टेबल के नाम से, स्टूडेंट टेबल या स्टूडेंट के ही नाम से खाली बना लेना चाहते हैं, तो ये हो गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट के नाम से आपकी टेबल बनेगी, ठीक है। लेकिन इसमें आप फील्ड कौन कौन से आएंगे, तो पहला फील्ड आएगा नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट, फील्ड नेम देते हैं ना MySQL के अंदर, वैसे यहां पर भी देना है। तो ये हो गया नेम ऑफ स्टूडेंट। अब टेबल बन रहा है हमारा स्टूडेंट के नाम से, और फील्ड इसमें हमने डाल दिया नेम ऑफ स्टूडेंट, और इसका डेटा टाइप जो होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे वेर कैर कर दिया, और इसकी साइज हमने 255 रख दी, बहुत बड़ा रेंज हो गया, लेकिन चलिए ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, स्टूडेंट का जो सिटी है वो सिटी डालेंगे, तो सिटी का भी डेटा टाइप आएगा, तो वेर कैर ही कर लेते हैं, वेर कैर इस बार 50 साइज रखते हैं, ठीक है। फिर कॉमा देते हैं, फिर स्टेट आएगा STAT, तो ये स्टेट हो गया। फिर यहाँ पर भी वेर कैर रख लेते हैं, तो ये वेर कैर रख लिया, साइज 50 ही कर देते हैं। तो ये सब करके अब हमको क्या करना है, अब इस ब्रैकेट को क्लोज करना है, क्योंकि वेर कैर को हमें क्लोज भी तो करना है। तो ये क्लोज करके और फिर जो ये ब्रैकेट ओपन हुआ था, यहाँ वाला ब्रैकेट, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ वाला ब्रैकेट जो ओपन हुआ था उसको क्लोज करना है। तो ये क्लोज कर दिया हमने, और क्लोज करके डबल कॉमा को क्लोज करेंगे और फिर उस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये क्लोज हो गया, और अब हम यहाँ पे दे देते हैं टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। क्या दे देते हैं, टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, SUCCESSFULLY ये दे दिया हमने, टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब चलाएंगे अगर हमारा ये सब सही है, कमेंट जो लगाया, क्योंकि हमको डेटाबेस तो यूज ही करना है, तो इसको हटा देते हैं और अब इसको एक बार चला लेते हैं। तो ये हम चला रहे हैं इसको, देखिए तो यहाँ पे देखिए टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली हो गया ना, ये देख सकते हैं टेबल हमारी बन गई, यानी टेबल बन गई तो अब दिखनी भी चाहिए MySQL में, ठीक है। और उसका डिस्क्रिप्शन भी दिखना चाहिए, उसको डिस्क्राइब भी हम कर पाए। तो ये MySQL है, और हमने किसको यूज किया था, जरा देखिए डेटाबेस कौन सा यूज किया हमने, डेटाबेस माई ओन डेटाबेस 2 नाम से जो बनाया था उसी को यूज किया है। तो यहां पर आकर के और यहां पर अब क्या करेंगे, माई शो डेटाबेसेस है, माई ओन डेटाबेस 2 को यूज करना है, तो यहाँ पे यूज माई ओन डेटाबेस 2 कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर भी तो देखना है माई ओन डेटाबेस 2। तो जैसे दिया गया वैसे ही लिख देते हैं, माई ओन डाटाबेस 2 कर देते हैं, ठीक है, माई ओन डाटाबेस 2 ये हो गया। और ये करके अब इसको यहां से चलाएंगे, तो ये एक्सिक्यूट करवाएंगे, एक्सिक्यूट तो करवा दिया हमने। अब क्या करेंगे, अब इसमें टेबल्स देखेंगे कि कौन से टेबल्स बने हुए, तो सो टेबल्स कमांड चलाएंगे। तो देखिए एक ही टेबल बनी हुई है स्टूडेंट नाम से, देख सकते हैं। अब इसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं कि स्टूडेंट को कैसे डिस्क्राइब करना है, तो यहाँ पर डिस्क्राइब स्टूडेंट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो दिया गया है पाइथन में, अब देखिए यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट वेर कैर है 255 साइज है, तो जरा देखिए पाइथन में यही दिया गया था क्या, यहाँ पे देखिए ये देखिए ये स्टूडेंट नाम से डेटाबेस था, नेम ऑफ स्टूडेंट पहला है और इसकी साइज क्या है, वेर कैर डेटा टाइप है 255 साइज है। तो यही तो यहाँ पर भी दिखा रहा है, नेम ऑफ स्टूडेंट वेर कैर और साइज क्या है 255 है, ठीक है। इसी तरीके से सिटी है जिसकी साइज 50 है और स्टेट की साइज वेर कैर और 50 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वही सेम चीज यहाँ पर भी आई हुई है, देखिए ये चीज हमने दिया था तभी आया हुआ है, सिटी वेर कैर है 50 है साइज, स्टेट का भी वेर कैर है और 50 है साइज। तो इस तरीके से आपको टेबल बनानी है, ठीक है,
उम्मीद करता हूं कि पूरी वीडियो क्लियर हो गई होगी, आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।